डॉलर की ऊंची उड़ान जारी, रुपया मजीद कमजोर हो गया। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में तेजी से इजाफा हुआ और डॉलर एक ही झटके से तकरीबन 19 रुपए तक महंगा हो गया। मुल्क में अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। आज कारोबार के आगाज पर डॉलर की कदर में 1.89 रुपए इजाफा हुआ, जिससे डॉलर 267 रुपए का हो गया। कारोबार के दौरान डॉलर की कीमत में तेजी से इजाफा होने लगा और डॉलर 18.89 रुपए महंगा होकर 285 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता रोज भी रुपए के मुकाबले में डॉलर 4.61 पैसे महंगा होकर 266.11 रुपए पर बंद हुआ था। क्या जुल्म है, बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल, शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जेक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था, एग्जेक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गयी, आईन में मौजूद इंफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है, चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म, बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।